सोनाली फोगाट का डिस्को डांस का वीडियो हुआ वायरल। डिस्को में पीए सुधीर और सुखविंदर के साथ डांस करते नजर आ रही हैं सोनाली फोगाट। पीए के साथ कंफर्टेबल नहीं होने पर बार बार खुद को छुड़ाती नजर आ रही हैं सोनाली फोगाट। सोनाली फोगाट का ये नया वीडियो सोनाली की मौत की गुत्थी सुलझाने में आएगा काम। नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक शर्मा। सोनाली फोगाट का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो एक डिस्को का है। वीडियो में सोनाली के साथ उनके पीए सुधीर सांगवान और सुधीर का दोस्त सुखविंदर भी नजर आ रहे हैं। सोनाली ने काली ड्रेस पहनी हुई है। दोनों सोनाली के साथ डांस कर रहे हैं, लेकिन बीच में कहीं कहीं सोनाली उनके साथ डांस करते हुए कंफर्टेबल नजर नहीं आती हैं। सोनाली कई बार खुद को सुखविंदर से छुड़वाती दिख रही हैं। इस दौरान सुधीर भी वहीं खड़ा होता है। इसके बाद सोनाली डांस कर रहे अन्य लोगों के बीच चली जाती हैं और सुखविंदर खड़ा दिखता रहता है। सोनाली के जाने के बाद सुखविंदर एक शख्स से अपना मोबाइल लेता है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सुखविंदर ने ही बनाया है। सोनाली का डांस करने का जो वीडियो सामने आया है वो कहां और कब का है, इस बारे में अभी तक कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। कोई कह रहा है मौत से एक रात पहले 22 अगस्त का, तो कोई इसे एक महीने पहले गुरुग्राम के डिस्को का बता रहा है। सोनाली के भाई ने कहा कि इस वीडियो के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बता दें कि सोनाली के भाई रिंकू ढाका ने गोवा पुलिस को शिकायत देकर सुधीर सांगवान पर सोनाली से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। शिकायत में आरोप है कि सोनाली का पीए सुधीर सांगवान 3 साल से सोनाली से दुष्कर्म करता रहा है और उसकी वीडियो बनाकर सोनाली को ब्लैकमेल कर रहा था। सोनाली के भाई वतन ढाका ने बताया कि गोवा के सिरसा का विधायक गोपाल कांडा सुधीर और सुखविंदर की मदद कर रहा है। सुखविंदर पहले गोपाल कांडा के पास काम करता था। सुखविंदर ने गोपाल कांडा से संपर्क किया। मुझे कल ही इस बात का पता चला है कि गोपाल कांडा उनकी मदद कर रहा है, इसलिए पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। हरियाणा के नेता नवीन जयहिंद ने सोनाली फोगाट की मौत की CBI जांच न कराने पर सवाल उठाए हैं। नवीन का कहना है कि अगर CBI जांच होती है तो बड़े मगरमच्छों के फंसने की उम्मीद है। बता दें कि सोनाली फोगाट की गोवा में 23 अगस्त को हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस समय गोवा में उसके साथ पीए सुधीर और सुखविंदर था। सुधीर ने मंगलवार सुबह 8 बजे सोनाली के भाई को फोन करके मौत की सूचना दी। इसके बाद उसने फोन नहीं उठाए। सोनाली के परिवार का आरोप है कि सुधीर और सुखविंदर ने उनका मर्डर किया है। सुधीर सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, इसलिए उसने उनकी हत्या की। और सिर्फ हत्या ही नहीं, बल्कि हत्या से पहले सोनाली को ब्लैकमेल किया गया, उनके साथ दुष्कर्म भी किया गया। हालांकि अब इस पूरे केस की सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपना कीमती सुझाव हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।